नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। पीछे दो क्लासेस मिस हो गई थी और अभी फिर से शुरू कर रही हूँ मैं। और आज का जो विषय है वो है राग भोपाली। मैं भोपाली से ही शुरू करूँगी क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ा सा, जब हम सीखते थे तो हमें भी इस तरह से पहले भोपाली कराई गई थी, जब हमारे सारे स्वर अच्छे से पक्के हो गए थे गले में। और राग शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों को ये डाउट है कि मैंने, मतलब उनको बिलावल थाट और कल्याण थाट उनको नहीं मिला। तो बच्चे, ऐसा है, बिलावल थाट जो पहली कक्षा से लेके नौवीं कक्षा तक जितने भी हमने अलंकार किए हैं, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, वो सारे बिलावल थाट पे ही किए हैं हमने। सारे स्वर शुद्ध थे उसमें, तो वो बिलावल थाट था। उसके बाद दसवीं कक्षा से तीव्र स्वर शुरू हुआ था, तीव्र स्वर यानी कल्याण थाट। तो जो दसवीं कक्षा के जो लेसन्स हैं वो कल्याण थाट के हैं। तो आप ये, अब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। पहली कक्षा से लेके नौवीं कक्षा तक बिलावल थाट के स्वर थे और दसवीं कक्षा में फिर कल्याण थाट, ठीक है। और आपको नियम से अभ्यास करते रहना है तभी आप राग गा पाएंगे। हालांकि मैं जो भी आपको सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, मतलब आपको, मतलब आ जाएगा गाना, आप गा पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इतना अभ्यास कर लीजिए कि आपके सारे स्वर क्लियर हो जाए। तो आज हम राग भोपाली पे बातचीत करेंगे। राग भोपाली क्या होता है? इसका जो थाट है, जितने भी राग आप सीखेंगे वो किसी न किसी थाट के अंतर्गत आते हैं। जैसे भोपाली राग कल्याण थाट में आता है। कल्याण थाट में क्या होता है? मध्यम स्वर तीव्र होता है ना। लेकिन राग भोपाली में मध्यम स्वर और निषाद स्वर, मतलब म और नी, दोनों स्वर ही नहीं लगते, वर्जित हैं दोनों स्वर। तो क्या स्वर बनता है इसका? सारे गापा ध सा। दूसरी बात है, इस स्वर का जो वादी स्वर है यानी सबसे इम्पोर्टेंट स्वर है गंधार, और संवादी स्वर है धैवत। ग और ध वादी संवादी। और चूंकि इसमें पांच स्वर लगते हैं तो इसकी जाति बनती है औढ़व जाति, ठीक है। इसके बाद आता है इसका गायन समय। इसका गायन समय क्या है? रात का प्रथम प्रहर यानी शाम के टाइम इसको गाया जाता है। अब हम इसका शुरू करते हैं गायन। आज से हम जो हैं तानपुरे से ही गाएंगे क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक तानपुरे से ही गाना चाहिए। और जितने 10 थाट आपने अगर अभ्यास किया तो आपके स्वर भी क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो बहुत साधारण, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए। तो अब इस राग में सबसे पहले हम सीखेंगे आरोह, फिर अवरोह और उसके बाद पकड़। आरोह क्या है? जो स्वर नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले आरोह गाएंगे। पहले सा लगा लेते हैं अच्छे से। सा एक बार स्वर में किया, अब एक बार आकार में। एक बार करेंगे सा।
आपने देखा जब हम आरोह अवरोह गा रहे हैं तो जो हम ध और लगा रहे हैं, ध को कैसे मीट के साथ आ रहा है। मीट क्या होता है, यानी एक स्वर जम करके हम जब दूसरे स्वर पे जाते हैं या डायरेक्ट एक स्वर को छोड़ के दूसरे स्वर पे आ रहे हैं तो उसको जब हम जिस तरह से लाते हैं उसको मीट बोलते हैं। सात ध मतलब सा टच करके ध पे आ रहे हैं, इस तरह से आप दो चार बार गा लीजिए आरोह अवरोह। अब हम पकड़ गाएंगे। पकड़ क्या होता है, जो राग का मुख्य स्वर है, मतलब जिसके जिसको गाते ही पता लग जाए कि भोपाली है। एक बार और करते हैं, ग रे सा ध सा रे ग पा ग ध प ग रे सा। तो आप सबसे पहले हम क्या सीखेंगे इसके बाद, स्वर मालिका। स्वर मालिका गाने से क्या होगा कि जो आपके अगर किस स्वर किसी के कमज़ोर हैं या नहीं समझ में आ रहा तो वो पक्का हो जाएगा। और स्वर मालिका तालबद्ध है, और क्लासिकल म्यूज़िक में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो ताल होता है वो है तीन ताल, इसलिए हम तीन ताल भी करेंगे अभी, ठीक है। तीन ताल में ये स्वर मालिका मैं आपको सिखाऊंगी। और ताल में कुछ चिन्ह होते हैं, ज़ीरो का चिन्ह, तीन, थ्री, क्रॉस, टू, फोर, ये सब चिन्ह होते हैं, वो आपको मैं अभी उसमें दिखाऊंगी, आपको पता लग जाएगा। जहाँ पे ज़ीरो लगा है उसका मतलब खाली, खाली वाली मात्रा। जहाँ पे जैसे तबला बज रहा है तो जब हाथ बाएं पे ऐसे रखते हैं ना, उसको बजते नहीं है वो, तब खाली, तो वो खाली वाला होता है, खाली हो गया। फिर क्रॉस माने सम, जहाँ से ताल का आरंभ होता है। फिर दूसरी ताली दो नंबर, तीसरी ताली तीन नंबर, चार पे चौथी ताली। तो अभी इतनी आसानी से जल्दी से आएगा नहीं, इसलिए हम बिना तबले के इसको फिर से करेंगे और हाथ में ताल देके करेंगे। मतलब हाथ में ताल भी नहीं देंगे तो हम एक ऐसे बीट करके करते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। या हम काउंट करके भी कर सकते हैं। हमने जब सीखा था तो हमें गुरुजी ने हमें काउंट करके बोला था। तो जो ये जो हाथ है ये हम इसको सम मानते हैं, ये दूसरी ताली, ये खाली और ये तीसरी ताली। अब जैसे ये खाली से शुरू है तो यानी नौवीं मात्रा, खाली यानी नौवीं मात्रा तीन ताल का। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, सा ध प ग रे सारे ग पाग धापाग ना, यहाँ पे खत्म होना चाहिए। और ये
खाली से शुरू हो रहा है। अगर हम दुगुन करेंगे, दुगुन का मतलब एक ही मात्रा में, हम उसी स्पीड में चलता रह जाएगा। एक ही मात्रा में जब आप दो स्वर बोलेंगे तो दुगुन हो जाएगा, एक मात्रा में चार स्वर बोलेंगे तो चौगुन हो जाएगा, आठ स्वर बोलेंगे तो अठगुन हो जाएगा। तो अब हम दुगुन करते हैं, आप ध्यान से देखिए। सा सा खाली से होगा, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा अंतरा ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध ग ग रे सा रे रे सा ध सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग। मतलब दुगुन करके हम फिर से उसको सिंगल में ले आए। अब हम एक ही मात्रा में चार स्वर बोलते हैं, वही खाली से शुरू करेंगे। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग क प ध स रे स ध प सा प ध प ग रे सा क ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध गा ग रे सा रे रे सा ध ध ध प ग रे सा। चौगुन को अगर दो बार गाना है तो इसको खाली से ही करेंगे। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग क प ध स रे स ध प सा प ध प ग रे सा क ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध गा ग रे सा रे रे सा ध सा सा ध प ग रे सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध स रे स ध प सा प ध प ग रे सा ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध गा ग रे सा रे रे सा ध ह स ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग। इसी तरह अब इसका अठगुन करते हैं हम। लय वही रहेगा, स्पीड जो है ताल की वही चलती रहेगी, उसी में हम अठगुन करेंगे। अठगुन को अगर दो बार करना है, एक बार अगर करना है फिर तो सम से लेना पड़ेगा, और अगर दो बार करना है तो फिर खाली से। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग क प ध स रे स ध प सा प ध प ग रे सा क ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध गा ग रे सा रे रे सा ध सा सा ध प ग रे सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग क प ध स रे स ध प सा प ध प ग रे सा क ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध गा ग रे सा रे रे सा ध सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग। अभी मैं इस पे बजाती हूँ आपको, आप सुनिए सुनिए इसको ध्यान से। धा इन इन ता ता धिन धिन धा। अब ताल शुरू है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन। अब ये खाली से शुरू होगा।
स्वरमालिका गाई, जिसमें हमने एक बार तो बराबर लय में गाया, फिर हमने दुगुन किया, फिर चौगुन किया और फिर अठगुन किया। अठगुन को हमने दो बार गाया पूरा ताल को उस पे लाने के लिए खाली से, क्योंकि ये शुरू हो रहा है। तो ये था राग भूपाली का स्वरमालिका। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के स्वर अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, अभी भी उनका स्वर स्थान समझ में उसको नहीं आया है, तो फिर को गाने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए आप मेरे जो पिछली कक्षाएं हैं उनको ध्यान से सुनिए। शुद्ध स्वर का जो है सारे अलंकार बार बार अभ्यास करिए। मैंने स्वर छोड़ छोड़ के भी करवाए हुए हैं ना, सा ग प नि सा प सा, ये सब आपको करना है। तो अभी क्योंकि जैसे जैसे हम राग, अब अगली कक्षा में मैं आपको राग भूपाली का छोटा ख्याल करवाऊंगी, आलाप करवाऊंगी, ताने करवाऊंगी उसमें, तो आप ये तभी गा पाएंगे जब आपका ये जो स्वर है ये क्लियर होगा। इसलिए स्वर मालिका को गाना बहुत ज़रूरी है, प्रारंभिक कक्षाओं में इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में किसी को कोई डाउट हो तो। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं शुरू करूँगी, थोड़ा सा टाइम चाहिए, मे बी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।